हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के सेशन में अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पर फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। इसको पढ़ने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है, इसको समझना है कि क्या है ये पीएन जंक्शन डायोड, बनता कैसे है। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन की जितना व्हाइट कलर है इसको सिलिकॉन की वायर ले लेंगे या जर्मेनियम की किसी एक मटेरियल की। इस साइड से हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे इस साइड से तो इधर पर बनेगा पी टाइप, और इधर से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो इधर बनेगा एन टाइप। और जहां पर पी टाइप और एन टाइप मिलान होगा, जहां पर एक पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे हम जंक्शन। तो ए और यहां से एक टर्मिनल निकाल लेंगे एनोड, पी साइड से निकालेंगे एनोड, एन साइड से कैथोड। तो ए जो है पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। क्लियर है? यहां पर पी साइड में क्या होते हैं, देखिए सर्किल बनाया हमने, वो माइनस माइनस लिखा है और ऊपर सबके ऊपर एक एक प्लस है। यहां पर सर्किल के अंदर प्लस होगा और सबके ऊपर एक माइनस होगा, प्लस माइनस जो भी होंगे जंक्शन के साइड में होंगे। ये तो है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जब कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या चीजें समझना है। जो ए आयन है जिस पर प्लस लिखा है ऊपर, वो जो है मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं पी साइड में। वो पी साइड में मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जो है जो आयन होते हैं होल्स होते हैं, वो इस साइड में क्या है, इस साइड में भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं जिस पर प्लस लिखा है और माइनस चढ़ा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं होल्स और इधर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो जंक्शन के पास एक फेनोमेनन होती है वो क्या होती है, समझना है। जो ये जंक्शन के पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे जो, और यहाँ पर होल्स थे, ये आपस में क्या करेंगे, आपस में मिलान करेंगे। आपस में अपोजिट चार्ज अटैक करता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इस साइड का इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करेगा, इस साइड को मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। इस जंक्शन के पास जो यहाँ होगा प्लस वाले, ये नियरेस्ट जंक्शन के पास ये सब मिल जाएंगे, और जहां पर ये मिलान होगा इलेक्ट्रॉन होल्स के पास जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को और होल्स अपने आप को एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्लियर है? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने इसके वर्किंग के बारे में इतनी हेडिंग लिखी है, जो यहाँ पूछा जाता है मोस्टली व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि वो मिलते हैं जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी डायग्राम को हमने सिंपल वे में यहाँ बना लिया, पीएन है, यहाँ पर जंक्शन है, ये जो ग्रीन कलर से एनोड है कैथोड, इसी का डायग्राम सिंपल कर लिया। जो ये सर्किल जितने बने हैं ये है होल्स, और यहाँ पर जो सॉलिड बनाया ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जंक्शन के पास होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि इसके प्लस माइनस आप एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स पर क्या होता है, दोनों पर चार्ज होता है। होल्स पर जो होता है प्लस का 1.6 × −19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, लेकिन दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो प्लस माइनस होके दोनों का चार्ज खत्म हो जाता है। तो जो यहाँ पर जितना भी बनता है ये एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे, यहाँ पर हमने एरो लगा के लिखा हुआ है, ये आयंस कौन से कहलाएंगे जिनका ऊपर का प्लस और माइनस खत्म हो गया है, इसको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, जो मूव नहीं कर सकते हैं, और जो मूव नहीं कर सकते हैं वही बना देते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। अब इसी फिगर को हम यहाँ पर सिंपल वे में समझाएं तो यहाँ पर फ्री होल्स हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस जंक्शन के पास जो ये है, इस जंक्शन के पास के ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास मूव करेगा। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास मूव करेगा तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, समाप्त कर लेंगे, और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं हम क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस।
क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, तो इस टाइम जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट भी निश्चित तौर पर फ्लो होगी। तो उसी करंट को जब डिफ्यूजन होता है, प्रोसेस जो चलता है उसी टाइम जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। यहां पर सभी डेफिनेशन लिखने को आते हैं, उसको एक एक को समझना है। अब जब ये यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स का ये चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ का होल खत्म हो गया, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए, यहाँ पर सब खत्म हो गया, इनका चार्ज खत्म हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस मटेरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब किसी बॉडी से, जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाता है तो इस बॉडी पर क्या आता है, प्लस आता है। और जब किसी भी बॉडी से प्लस निकल के जाता है, प्लस निकल के जाता है, उस पर माइनस चार्ज आता है। तो इस साइड से यहां से यहाँ के चार इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फोर टाइम्स प्लस आ जाएगा इस साइड में, और इधर से होल्स निकले हैं, होल्स के साइड में माइनस आएगा। और इसी जो है, ये जो होता है, इसी इतनी जो है आपके निकल गए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, इसी को बोलते हैं हम क्या, डिप्लीशन लेयर। तो हमने लिखा है डिप्लीशन लेयर किसे बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर की डिस्टेंस कितनी है, इसकी जितनी विथ होगी, चौड़ाई होगी इसकी, उसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डी से इंडिकेट करेंगे हम। यहां पर जब प्लस चार्ज आ गया इस साइड में, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको किससे इंडिकेट करेंगे हम, ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऐसा वेक्टर राशि होती है, इस साइड में प्लस बने हैं, इस साइड में माइनस बने हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को जनरेट हो गया, क्लियर है। अब इसमें ए बन गई है डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर भी इसी को बोलते हैं। तो यहां पर हो गया है डिप्लीशन लेयर क्या होती है, और उसी में इंड्यूज हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ऊपर वेक्टर लगा होगा, वेक्टर राशि है, एक डिफ्यूजन, एक जो है जो डिप्लीशन लेयर बनी थी डी, वो है कितनी चौड़ी है, वो उसकी विड्थ है। अब यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा, क्या पोटेंशियल बैरियर, बी इक्वल टू ई इंटू डी, ई और डी, इसकी जो है डिप्लीशन लेयर जो बनी इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसमें जो है आपका पोटेंशियल बैरियर कितना है। यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन और चार प्लस और चार माइनस हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन 50 माइनस हो, तो वहां पर पोटेंशियल बैरियर उतना ही बढ़ जाएगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, बी इक्वल टू ई डी, क्लियर है। अब क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे, यहाँ के होल्स यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में आ गया डिप्लीशन लेयर। तो इस प्रोसेस को हम बोले इस टाइम जो है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जब नो बायस होगा, जब डायोड होगा नो बायस, जब कोई बैटरी इसमें नहीं लगाएंगे तो करंट आई कितनी होगी, आई इक्वल टू जीरो होगी नो बायस में, करंट कोई भी फ्लो नहीं होगी इस मटेरियल में। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो है कितनी होगी, यहाँ पर तो हाइयर पोटेंशियल यहाँ लिखा, देखिए यहाँ पर प्लस वाला था तो इसलिए पॉजिटिव लिया है हमने, पॉजिटिव या हाइयर पोटेंशियल प्लस, और यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर लिया है जो है क्या, नेगेटिव या जो है लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बना, उसकी कितनी होगी कि यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल बैरियर ए है इतना, कब, जब ए अपने आप कंस्ट्रक्शन के समय। अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है, तो नो बायस है, अगर कोई सप्लाई नहीं दे रहे इसमें तो इसमें करंट जीरो। अब इसमें यदि करंट फ्लो करानी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी जो है करंट की वैल्यू कितनी होगी, नो करंट फ्लो लिखा है यहां पर, नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये वाला भी हो गया पोटेंशियल बैरियर क्या है, और जो है अपोज द करंट, जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, इसलिए बोलते हैं अपोज द करंट, हमने लिखा है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है यदि इस डायोड में करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी बायसिंग करनी पड़ेगी। बायसिंग कैसे होगी, जैसे पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। ये सेक्शन क्या होता है, जो ये ट्राइंगल बना होता है पी होता है, और जो ये लाइन बनी होती है, ये वाली लाइन जो होती है एन होता है, ये पी होता है ट्राइंगल, ये एन होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। यदि बैटरी लगानी है, बैटरी जो है लगानी है अगर, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है माइनस टर्मिनल,
यदि बैटरी का प्लस टर्मिनल हम कनेक्ट कर दें एक पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल कर दें किससे, जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव कनेक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा कौन सा बायस, ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। हमने यहाँ पर लिखा है बायसिंग कनेक्ट बैटरी विद डायोड, क्लियर है। यहाँ पर इतने में लिखा है हमने कि पी को कनेक्ट करें पॉजिटिव टर्मिनल से, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और एन को किससे करें, एन को नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तब वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर लिखा होगा हमने पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पीएन, तो ये फॉरवर्ड बायस। इसका ऐसे भी हम कनेक्शन कर सकते हैं कि पी को नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव अपोजिट कर दो, तो ये क्या कहलाएंगे, रिवर्स बायस कहलाएगा। हालांकि हमें यहाँ पर पढ़ना कौन सा, ये फॉरवर्ड बायस पढ़ना है, क्योंकि हमारी यह है डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तब की वर्किंग हम समझ रहे हैं कैसे ऑपरेशन होता है। तो इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या क्या होती है। अब बायसिंग की बात आती है, तो बायसिंग कितने तरह की, जो दो तरह की, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस पी को पी से, एन को एन से। रिवर्स बायस करना है तो यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये वाला तो प्लस को नेगेटिव से, नेगेटिव को प्लस से कनेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा कौन सा फिर, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। हालांकि इस टाइम अपना जो चल रहा है फॉरवर्ड बायस हेडिंग है, तो यहाँ प्लस होगा, ये टर्मिनल छोटा रखना होगा, और ये वाला टर्मिनल होगा नेगेटिव, और ये कहलाएगा आपका कौन सा, ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस, ये डायोड के सिंबल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं यदि आप, तो क्या होगा, यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर अभी यहाँ से यहाँ तक है भाई, क्लियर है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत। अब इसमें अगर बैटरी लगा दें, हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये एनोड और कैथोड, यहाँ पर बैटरी लगाना है। यदि ये फॉरवर्ड बायस रखना है तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो बैटरी के, और ये एन है, एन साइड है, यहाँ पर नेगेटिव को इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा फॉरवर्ड बायस में हो गया डायोड, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस बीएफ बोलेंगे, क्लियर है। अब इसमें जो वोल्टेज आएगा डायोड में ऐसे ही आएगा जो, तो इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होने की संभावना है, यहाँ पर करंट फ्लो होगी आईएफ कह सकते हैं, क्लियर है। इसमें करंट फ्लो होगी या नहीं होगी कैसे, इसमें तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती है जब तक यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की जो हमने बात की थी, पोटेंशियल बैरियर बी इक्वल टू ई डी, ये सिलिकॉन मटेरियल से बना है या जर्मेनियम से। यदि जर्मेनियम मटेरियल से बना है, जर्मेनियम मटेरियल से डायोड बनाया है, तो इसका कितना आएगा 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन से बना है तो 0.7 वोल्ट आता है, क्लियर है। कौन सा पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर ये बना हुआ है। अब यदि इसमें करंट फ्लो कराने, तो इस वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई देंगे तभी इस डायोड में करंट फ्लो होगी। अब इस वोल्टेज को जीरो रखते हैं तो नो बायस हो गया, एक तरह से करंट जीरो होगी। यदि इस वोल्टेज को स्लोली हम इंक्रीज करते हैं, स्लोली यहाँ पर वी आई कलेक्टर से खींचा है हमने, यदि यहाँ पर होगी तो करंट जीरो होगी, जीरो। अगर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, और ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाता है, बीटी के बराबर, क्लियर है। यदि यहाँ पर वोल्टेज बीटी कितना हो जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं इस वोल्टेज को, जहाँ पर एक पॉइंट है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, टी लिखा है, थ्रेशोल्ड मतलब थर्मल एजिटेशन से होता है, या इसी को बोलते हैं कट इन वोल्टेज बोलते हैं, इसी को कट इन वोल्टेज, इसी को नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप, और इसी को बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यदि डायोड जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट होगा, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। यदि डायोड सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट होगा, किसमें, सिलिकॉन में, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, फोर्थ वैलेंट के इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड वैलेंट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री कराना, ये जल्दी फ्री हो जाते, इसलिए 0.3 वोल्ट पर ही डायोड ऑन हो जाता। जब यहाँ बोलते हैं नी वोल्टेज पर, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होती है, जब इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रिड्यूस होता है धीरे धीरे। यदि इस वोल्टेज को 0.2 वोल्ट करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ये डिप्लीशन लेयर जो चौड़ी थी ये और पतली होती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को जाने लगेंगे, और यहाँ से होल्स जो है, इसके होल्स थे, ये रिपल करेंगे तो ये जंक्शन के पास भागेंगे, क्योंकि ये इसको होल्स को इधर से रिपल करेगा, तो ये सब भागेंगे इस साइड में,
इस साइड में सब भागने लगेंगे बैटरी के कनेक्शन देते ही, इधर की डायरेक्शन में इनकी टेंडेंसी इधर को भागने की हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाने लगेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी इधर को जाने की हो जाएगी। यही फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो इधर को टेंडेंसी होगी बैटरी की सप्लाई देने से, ये क्या करेंगे, ये डिप्लीशन लेयर पर जोर डालेंगे तोड़ने के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई आ रही है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे प्लस बढ़ेगा तो होल्स भी इससे रिपल होंगे, अपोजिट चार्ज है ये, तो ये जंक्शन के पास ही जोर लगाएंगे जंक्शन को ब्रेक डाउन करने का। यदि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वाला यहाँ पर डिप्लीशन लेयर थी, जो डिप्लीशन लेयर यहाँ कहीं आ जाएगी और इधर से घट के यहाँ कहीं आ जाएगी डिप्लीशन लेयर, तो डिप्लीशन लेयर कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, जो पोटेंशियल बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर ये वाला पहले इतना ज़्यादा था, क्लियर है, अब ये रिड्यूस होके और कम हो गया है। यदि इस वोल्टेज को और बढ़ाते चले जाएंगे तो और रिड्यूस हो जाएगा, ये कहीं यहाँ तक आ जाएगा और कहीं ना कहीं जंक्शन का 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट जैसे ही इस वोल्टेज की वैल्यू होगी, ये डायोड में जो डिप्लीशन लेयर बनी थी पोटेंशियल बैरियर था वो डिप्लीशन लेयर टूट के जीरो हो जाएगी। क्यों, बी इक्वल टू यहाँ लिखा था बी इक्वल टू ई डी और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घटती चली जा रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज करी तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज कर गया, पहले इतना था अब इतना बचा, और यदि वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे 0.3 या 0.7 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, और जब डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से करंट पहले तो जीरो चले, तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म होगी तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अब जैसे ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई है तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहाँ से जाने लगेंगे, यहाँ से होल्ड और यहाँ से सप्लाई पूरी करते रहेंगे, डायोड में एक करंट फ्लो होने लगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट इधर से इधर ऐसे फ्लो होने लगेगी इसमें, और जैसे ही वोल्टेज स्लाइटली थोड़ी सा भी इंक्रीज करेंगे वोल्टेज तो ये करंट कैसी जाने लगेगी, ये करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, ये करंट ऐसे जाने लगेगी, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे आप 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट था यहाँ पर, तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये एक यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने, कब तक इस करंट को बढ़ा सकते, एक लिमिट होगी कहीं ना कहीं उस पर, इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करा देंगे डायोड में तो बर्न आउट हो जाएगा, बर्न आउट का मतलब आपका डायोड जो है डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जलने का मतलब आग लगने से नहीं है, उसमें जो मोबाइल चार्ज किया जाए थे वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करने लगेगा, इसलिए बर्न आउट पॉइंट भी होता है। जहां पर ये डायोड ऑन होता है यहाँ पर लिखा था कौन सी, फॉरवर्ड बायस, हमने फॉरवर्ड बायस किया डायोड को, फिर डिप्लीशन लेयर क्या हुई, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हुई, डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हुई क्योंकि पहली इतनी चौड़ी थी अब इतनी बची जहाँ से डॉट डॉट लाइन डाली है, और जब डिप्लीशन लेयर खत्म हुई है तो ईडी भी डिक्रीज कर गया, पहले इतना था फिर ये हो गया है, कौन सा पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, कि पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज कर गया, धीरे धीरे क्या होगा, डायोड विल बी एक्टिव, डायोड क्या हो जाएगा, जहां पर 0.3 वोल्ट 0 बीटी के बराबर आएगा नी वोल्टेज पर, तो बीटी डायोड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव का मतलब ऑन हो गया डायोड, जब डायोड ऑन हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, करंट फ्लो का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात है, डायोड कहाँ ऑन होगा, नी वोल्टेज पर, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, एक होता है कट ऑफ का मतलब ऑफ हो जाना, कट इन का मतलब ऑन हो जाना, क्लियर है ना, तो डायोड कट इन होगा जैसे एक्टिव होगा डायोड, जब डिप्लीशन लेयर घटते घटते पोटेंशियल बैरियर जीरो हो गया इस बैटरी की वजह से, क्लियर, तो डायोड में करंट फ्लो होने लगेगी, तो ये हमने बीआई करेक्टर से खींच दिया है, यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड का है कॉन्सेप्ट, क्लियर होगा, क्लियर है, तो इसके बाद हमें समझना होगा डायोड रिवर्स बायस करना होगा, अभी तो क्या था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड था, इसके बाद रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के, इसके आगे वीडियो देखेंगे तब एक फाइनल बीआई करेक्टर से खींचेगा फॉरवर्ड बायस का रिवर्स बायस का, क्लियर होगा, थैंक यू।